फ्रंट फुट देख रहे सारे दर्शकों को मैं दीप्ति जिया कहनियां। बुलेटिन की शुरुआत एक राहत भरी खबर तो करते हैं। दरअसल चंडीगढ़ के बिजली विभाग के मुलाजमान वालों अपनी हड़ताल को वापस ले लिया गया है। मुलाजमान की मनीए तो प्रशासन के वालों उन्होंने लिखित के विच भरोसा दिता गया जिसके तहत निजीकरण के फैसले के उत्ते अगे कदम नहीं बताया जाएगा जब तक मामला हाईकोर्ट के है। कई घंटे के ब्लैकआउट तो बाद चंडीगढ़ का बिजली संकट सुलझ गया। प्रशासन के बिजली मुलाजमान बनी सहमति तो बाद बिजली मुलाजमान ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। प्रशासन वालों लिखती भरोसा दिता गया है कि जदों तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं हुंदा उदों तक प्रशासन निजीकरण के फैसले उत्ते अगे नहीं बधेगा। इसे लिखती भरोसे तो बाद बिजली मुलाजमान ने अपनी हड़ताल वापस ली है। इन्हां मुलाजमान का दावा है कि प्रशासन वालों उन्हां दीआं बाकी मंगां उत्ते भी गौर करन दा भरोसा दिता गया है। डिसाइड जो हमारा जिन मुद्दों के लिए लगातार हमारा संघर्ष चल रहा था, सरकार पिछले दो साल से नेगोशिएशन की टेबल पर नहीं आ रही थी और इस हड़ताल के बाद जितने हमने मेमोरेंडम दिए थे, जितने हमने जो अगले संघर्ष किए, उन संघर्षों के बाद सरकार ने जो इग्नोर किया था, इस तीन दिन की हड़ताल के कारण जो है वो सरकार को झुकना पड़ा है, हमारी बात माननी पड़ी है। जो तीन चार दौर की मीटिंगें हुई हैं, हड़ताल के बावजूद भी हमने कुछ मुद्दों पर जो है सरकार से हमारी समिति नहीं थी परसों तक, फिर भी हमने कल सरकार को कहा है कि जो भी अगर कोई बिजली बाधित हुई है आंधी तूफान करके या बारिश करके, वो बिजली जो है हड़ताल के बावजूद हमने चालू किया है, सरकार ने उसको अप्रिशिएट किया है। और हमारा जो LOI है जो 22 तारीख को होनी थी उसको उन्होंने पोस्टपोन किया है और फैसला किया है कि कोर्ट के अगले फैसले तक जो है वो इसके ऊपर इस बात को जो है आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारी बाकी मांगे हैं उनके ऊपर तुरंत एक दो दिन के अंदर जो है मीटिंग करके हमारे बाकी मुद्दे भी रिजॉल्व करेंगे। उस विश्वास को देखते हुए हमने फैसला किया है कि आज जो ये हड़ताल जो हमारी 21 तारीख से शुरू हुई है इमीडिएटली जो है आज तुरंत प्रभाव से उसको हमने डेफर किया है, कैंसिल किया है और सारे मुलाजिम जो है आज से ड्यूटी पर जो है वो चले गए हैं। इस तो पहला बिजली संकट संबंधी प्रशासन वालों हाईकोर्ट जानकारी दी गई थी कि रात 10 बजे तक पूरे शहर की बिजली सप्लाई बहाल कर दी जाएगी, जिस तो बाद अदालत ने सख्ती विखाई और साफ किया कि यह मामला सीधे तौर पर उलंघना का है, क्योंकि जो मामला हाईकोर्ट च पेंडिंग है तो इस तरह हड़ताल से जाना पूरी तरह गलत सी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई वीरवार तक लई एक कह के मुलतवी कर दी है कि पहला पूरे शहर की बिजली बहाल की जाए। दरअसल मंगलवार रात तो हड़ताल कारण हाईकोर्ट वालों शहर के चीफ इंजीनियर तलब किया गया सी। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने 6 जनवरी को चंडीगढ़ का बिजली विभाग निजी कंपनी के हवाले करने का फैसला लिया सी, जिसकी सब तो वध बोली कोलकाता की इमिनेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड कंपनी ने लाई। इस टेंडर मुताबक 24 मार्च तक बिजली विभाग इस कंपनी के हवाले किया जाना सी, पर इस विचाले मामला अदालत पहुंच गया तो बिजली विभाग के मुलाजम हड़ताल उत्ते चले गए। इन मुलाजमान का तर्क है कि विभाग 1780 पोस्टा ने, जदों के 625 सरकारी 425 मुलाजम ठेके उत्ते भर्ती किए गए हैं। इसके बावजूद विभाग का काम चंगा चल रहा है। पूरे चंडीगढ़ 2.5 लाख तो वध बिजली कनैक्शन ने, पिछले 5 सालों तो बिजली विभाग ने 1000 करोड़ का मुनाफा कमाया है। इन मुलाजमान का यह भी तर्क है कि चंडीगढ़ बिजली सारे देश नालों सस्ती है, पिछले 5 साल बिजली टैरिफ वाधा भी नहीं होया। इन्हां मुलाजमान का तर्क है कि भारत सरकार के नॉर्म्स मुताबक लाइन लॉस 15% तक होना चाहिए, जो कि चंडीगढ़ पहले ही 10% लाइन लॉस है। इन्हां मुलाजमान ने बिजली निजीकरण के टेंडर का प्रोसैस भी गलत कहा है, तो यह टेंडर ऑनलाइन की थां ऑफलाइन किया गया है। इन्हां मुलाजमान के मुताबिक 10 लाख तो वध का कोई भी टेंडर ऑनलाइन किया जाता है। चंडीगढ़ बिजली विभाग की वैल्यू 172 करोड़ रुपए तय की गई थी। इन्हां मुलाजमान के मुताबिक सरकार वालों विभाग कोलकाता की एक कंपनी को 871 करोड़ में बेचा जा रहा है, जदों कि एक कंपनी 2 साल पहला बनी है जो पहले ही घाटे चल रही है। इन्हां मुलाजमान के मुताबिक इस तो अलावा 20 तो 25 हज़ार करोड़ की विभाग की प्रॉपर्टी भी 1 रुपए प्रति महीने रेट उत्ते इस कंपनी को दी जा रही है। इस दे नाल ही विभाग के निजीकरण होण कारण पक्के मुलाजमान नूं अपनी नौकरी जाण दा खतरा भी सता रहा है, जिस तो यह मुलाजम खफा ने ते निजीकरण का विरोध किया जा रहा सी। बुलेटिन च फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे जे ब्रेक दे लई, ब्रेक तो पार भी खबरां दा सिलसिला जारी रहेगा।
विच हालात इस वेले बेहद तनावपूर्ण बने हुए ने। खदशा जताया जा रहा है कि रूस किसी समय भी यूक्रेन के उत्ते हमला बोल सकता है। अजिहे समय दे विच लगातार कोशिशां हो रही ने कि यूक्रेन च फसे भारतीयों नू वापस लियांदा जाए और इसे दे तहत ही 242 यात्रियों के नाल भरी हुई एयर इंडिया की फ्लाइट देर रात दिल्ली पहुंची। हालांकि हले भी बहुत सारे अजिहे भारती ने जो यूक्रेन दे विच फसे हुए ने। यूक्रेन अते रूस दरमियान वादे तनाव दे विचकार यूक्रेन च रहिंदे भारतीयों नूं कढ़न दा सिलसिला शुरू हो चुका है। मंगलवार देर रात एयर इंडिया दी विशेष फ्लाइट जरिए 242 विद्यार्थी दिल्ली पहुंचे, जिन्हां च ज्यादातर मेडिकल दी पढ़ाई करन दे लई गए विद्यार्थी सन। तनावपूर्ण हालातां दे विच वापस परते इन्हां विद्यार्थियों मुताबिक फिलहाल यूक्रेन च हालात ठीक ने अते मापिआं नूं वधेरे चिंता करन दी लोड़ नहीं है। Situation is really normal there. There is no need to stress or panic the situation. It is the we were living their usual life. There was no worry. The people there are no, they don't have any concern about the Ukraine and Russia crisis, nothing else. Only the reason of our being coming back was our parents. A mental issue, they were very much disturbed about related to us, and this is pretty fine. पढ़ाई का नुकसान देखते हैं आप? Yeah, exactly. First of all, this is the main. But they have shifted our classes to online, so there is no need to panic. इसमें अब दो देशों के बीच में जो हो रहा है उसमें तीसरा देश कुछ नहीं कर सकता, तो आपको जैसा प्रोटोकॉल है कि आपको उससे पहले इवैक्यूएट करना है, तो हमने वो फॉलो किया और हम वहाँ यहाँ आ गए। एक्चुअली हम ज़्यादा परेशान नहीं है, पेरेंट्स ज़्यादा परेशान है वहाँ पर। तो सिचुएशन ऐसा है कि ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, इसमें कोई कोई कुछ कर नहीं सकता। स्टूडेंट का उनका काम है वहाँ पढ़ाई करना और वापस लौट जाना। जैसा प्रोटोकॉल सरकार ने कहा कि वापस लौट जाओ, तो हम वापस आ गए। अब जब सिचुएशन ठीक हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे वहाँ। मानसा के कस्बा बरेटा के ही 3 विद्यार्थियों चो 2 यूक्रेन तो वापस परत आए ने, जबकि एक अजे भी वापसी के लिए कोशिश कर रहा है। मानसा के नितिन मनजिंदर सिंह 220 मैडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए सन, पर हुण हालात खराब होने करके अपनी पढ़ाई विचकार ही छड़ वापस परतना पिया है। इन्हां विद्यार्थियों मुताबिक संकट की इस घड़ी के निजी एयरलाइंस ने लुट मचा रखी है। मैं चाहे चाहे पर कई बच्चों के लिए मैं निकलना भी हो रहा है कि उसमें टिकट्स नहीं हो रही है, तो इससे रिलेटेड ही पास सरकार कुछ कर दिया ना कि फ्लाइट मुहैया कराई जाए, क्योंकि मैंने वजह मेरे दोस्त ने सवाल में कही कि असं वापस आना चाह रहे पर सू टिकट्स नहीं मिल रही। पर जिमें हालात नॉर्मल नहीं, उसे साड़ी पैसे अगर नॉर्मल चल पे नहीं है, इसलिए आई ऐसा करते हैं जल्दी जल्दी हालात नॉर्मल। लास्टली 15 फरवरी तो लैके हालात ना दे, उसे वॉर दे पूरे चांस बन चुके हैं, उसे वॉर हो सकती है। खराब हुई जिसका कारण भी सानू वापस इंडिया आना पिया, तो इंडिया आने लगे भी सानू बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हुई, क्योंकि ना तो फ्लाइट की टिकट्स मिल रही थी, जो कोई मिल रही थी तो उन्होंने प्राइस बहुत ज्यादा हाई सी, जो कि 40 to 50 हज़ार तक की टिकट सी, वो 1-1.5 लाख दी हो रही सी। यूक्रेन च वध रहे संकट कारण फ्लाइटा दियां टिकट ब्लैक उत्ते कई गुणा महंगे भाव दे विच विक रहीआं ने। अजिहे च राजपुरा दे अभिनंदन दे मापिआं नूं अपने बच्चे की चिंता सता रही है। अभिनंदन दे पिता मुताबिक हुण उन्हां कोल टिकट दे लई पैसे नहीं हन, इस लई पंजाब अते केंद्र सरकार तों मंग कीती गई है कि उन्हां दे बच्चे नूं पंजाब लिआउण दे विच मदद कीती जाए। पर हुण 5-7 दिनां तों उत्थे माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, तो असी सानू मतलब बहुत चिंता है। असी अपने बच्चे नूं डेली गल करते हैं, तो बच्चा भी हेल्प की गुहार ला रहा कि मेरी टिकट बुक कराओ, पर जदों असी उरे एजेंटा कोल गए तां वो टिकट जिहड़ी कि सानू 25-30 हज़ार दे विच असी लगा के उन्हूं भेजिया सीगा, हुण उही टिकट मतलब 1 लाख रुपए के करीब मिल रही है। क्योंकि कल असी पता किया, पहला वो 64 हज़ार कह रहा सीगा, फिर वो कहता कहता 64 हज़ार नहीं, हुण 88 हज़ार की होएगी। तो असी पंजाब सरकार नूं
ते भारत सरकार नूं बेनती करदे आ कि वह साढ़े बच्चों नूं वापस बुलाण ते या फिर ये जिहड़े टिकटां दे रेट बहुत ज़्यादा वधे हन इन्हां नूं घट कीता जावे। जिन्हां दे अपने यूक्रेन तो परत आए ने उन्होंने तो सुख का सह लै लिया पर जिन्हां दे अजे भी यूक्रेन दे विच फसे हुए ने उन्हां परिवारां दे सह हाले भी अटके हुए ने। अजिहे ही दो परिवार ने करनाल दे जिन्हां दीआं धीआं अजे भी यूक्रेन दे विच ही फसियां होईआं ने। ये बच्चे 4 साल पहले MBBS की पढ़ाई दे ले गए सन जिन्हां चों एक है शिवानी। हालांकि शिवानी लगातार वीडियो कॉल जरिए अपने परिवार के नाल संपर्क दे विच है पर माँ नूं धी की चिंता इन्नी है कि कई दिनों तो एक भी निवाला माँ के गले हेठा नहीं उतरिया। 4 ईयर्स हो गए उसको MBBS करते करते लेकिन आज तक हमने ऐसा नहीं सुना था। अब ज्यादा पैनिक हो रहे हैं बच्चे सुन के सिचुएशन को, हम भी पैनिक हो रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे की डिग्री भी ठीक ठाक हो जाए और बच्चे भी अपना ठीक ठाक घर वापस आ जाए। रोना भी आता होगा शिवानी को भी, आपको बिल्कुल भी? बिल्कुल, मेरी वीडियो कॉल लगातार होती रही है। बच्ची बड़ी परेशान थी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। हम 15 तारीख से टिकट करा रहे हैं, हमें टिकट नहीं मिल पा रही थी, फटाफट फुल होते जा रही थी सारी एयरप्लेन की। ती विदेश च फसी है ते मां भारत दे विच बैठी चिंता कर रही है। अजिहे च शिवानी दे पिता ने सरकार तो गुहार लगाई है कि जल्द तो जल्द उन्हां दी धी नूं वापस भारत लियाउण दा प्रबंध कीता जाए। क्रिटिकल सिचुएशन हुई है, बच्चे हर टाइम ये देख रहे हैं भी किस टाइम युद्ध छिड़ जाए, किस टाइम हमें यहाँ से कुछ धमाका हो जाए। लेकिन हम बिटिया को ये कहते हैं, कोई नहीं बिटिया, तू है, तेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं, तो हौसला रखो, अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत होने दो, कुछ ना कुछ हमारी सरकार सुनेगी या तुम्हारी भगवान सुनेगा, कोई ना कोई टिकट आपको अवश्य मिल जाएगी। तो हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, करते करते आज हमें 3-4 दिन हो गए जो हम बिल्कुल रातों को भी नहीं सोए, 24 घंटे हमने जाग जाग के बिताया है। सिर्फ हमारी वीडियो कॉल होती है बिटिया से और उसके बाद भगवान की दया से कल जाके उसको एक टिकट मिली है, अब वो शायद 1-2 दिन में यहाँ पर इंडिया वापिस आ जाएगी। शिवानी वांग भव्य भी 2021 दे विच पढ़ाई दे लई यूक्रेन गई सी पर हुण उत्थे दे हालातां बारे सुन के भारत दे विच रहिंदे मापे डाढे परेशान ने कि उन्हां दी धी कदों दहशत भरे हालातां तों वापस परतेगी। बिटिया से हमारी प्रतिदिन बात होती है, वीडियो कॉल भी होती है, वैसे भी बात होती रहती है। जिस साइड बिटिया है उस साइड हालात ठीक है क्योंकि वो अलग साइड पड़ती है, जिधर रूस की सेना खड़ी है उस साइड से अलग साइड में पड़ती है। लेकिन फिर भी प्रतिदिन चिंता बनी हुई है क्योंकि बच्चा अपने पास हो तो आ भी जाए, इतनी दूर से बच्चा कैसे है, अकेला लड़की का होना, लड़का हो फिर भी थोड़ी देर के लिए समझ आ जा सकता है कि भाई हौसला कर ले, लड़कियों का हालांकि जाते हैं आज के टाइम में उनपे हिम्मत करके भेजा जाता है पढ़ाई के लिए, अलग स्टेशनों पर भी भेजा जाता है। रूस ने मंगलवार नूं 2 सूबियां नूं आजाद ऐलानते हुए यूक्रेन च अपनी फौज भेज दिती है। उस तो बाद ही अमरीका ते होर देशां दीआं पाबंदियां दा दौर भी शुरू हो गया। अमरीका ते बरतानिया वल्लों सख्त कार्रवाई दी गल कही जा रही है। हालात अजिहे बन गए ने कि किसी भी समय जंग शुरू हो सकती है। 20,000 तो वध भारतीय विद्यार्थी अते नागरिक यूक्रेन दे वख-वख हिस्सिआं ते सरहदी खेतरां दे विच रहिंदे ने अते पढ़ाई कर रहे ने, जिन्हां चों ज़्यादातर विद्यार्थी ने जो मैडिकल दी पढ़ाई दे लई यूक्रेन गए हुए ने। हालांकि एयर इंडिया दी विशेष फ्लाइट दे जरिए 242 विद्यार्थी वापस परत आए ने, जबकि कई हाले भी उथे ही फसे हुए ने। ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। NDPS ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਔਰ ਭਲਕੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁਣ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ट्रक विच फसे सीनियर अकाली आगू बिक्रम मजीठिया नूं सुप्रीम कोर्ट तों दित्ती गई राहत 24 फरवरी नूं खत्म हो रही है। अजिहे च हुण उस नूं मोहाली दी हेठली अदालत आत्म समर्पण करना पवेगा, जिस तों बाद ही मजीठिया रैगुलर जमानत लई पटीशन दायर कर सकदे ने। बीती 20 दिसंबर नूं बिक्रम मजीठिया दे खिलाफ NDPS दीआं धारावां तहत मामला दर्ज होया सी। मजीठिया ने मोहाली दी अदालत अगाऊ जमानत लई अर्जी दित्ती सी पर ओह रद्द हो गई। इस तों बाद मजीठिया ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया, पर हाईकोर्ट वालों भी कुछ दिनों की अंतरिम राहत तों बाद उन्हां दी पटीशन रद्द कर दी गई सी। फिर बिक्रम मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा चोणां दे मद्देनजर उन्हां दी गिरफ्तारी ते 24 फरवरी तक रोक ला दी सी, यानी बुधवार इस म्याद का आखिरी दिन सी। पंजाब विच 2013 दौरान बहुत करोड़ी ड्रग रैकेट का पर्दाफाश होया सी। इस केस अनूप कालो नूं पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुछगिछ दौरान मुलजमां चों इक ने मजीठिया दा नां लिया सी। इसे दौरान मजीठिया उते ड्रग माफिया नाल संबंध होण दे इल्जाम भी लगदे रहे ने। इस केस दी जांच कर रही SDF ने मई 2018 नूं हाई कोर्ट च अपनी सीलबंद रिपोर्ट पेश कीती सी। हालांकि उस दौरान मजीठिया तों पुछगिछ कीती गई पर कोई कारवाई नहीं होई। श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर आगू बिक्रम मजीठिया दे खिलाफ बीती 20 दिसंबर नूं अपराधिक केस दर्ज होया। यह केस मोहाली दे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थाने दर्ज किया गया सी, जिस दे तहत FIR च NDPS दी धारा 25, 27A, 29 दर्ज की गई। पंजाब च इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश 2013 च होया सी, जदों सूबे च अकाली दल की सरकार सी। इस दौरान जीरकपुर च अनूप कालों के फ्लैट की छत तों हैरान बरामद हुई। इसे केस बॉक्सर विजेंद्र सिंह का नाम भी आया। इस दौरान मोहाली पटियाला फतेहगढ़ साहब च कई थावां तों बरामदगियां हुई सन। मजीठिया अकाली दल के आगू ते पंजाब सरकार के सबका मंत्री ने, वह अकाली दल के मुखी सुखबीर बादल के रिश्तेदार ने। मजीठिया खिलाफ ड्रग मामले च केस दर्ज होने तों बाद अकाली दल नूं भी वड्डा झटका लग्या सी। हालांकि इस केस च बीती 31 जनवरी नूं सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी उत्ते 23 फरवरी तक रोक ला दी सी। इस दे नाल ही अदालत ने मजीठिया नूं 24 फरवरी नूं हेठली अदालत सरेंडर करके पक्की जमानत लई भी अपील करन दी आदेश दित्ते सन। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਨਹਾਨੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਣ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 80 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100-100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਉਹ ਟਵੀਟ ਸੀ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਰਟ ਮੈਡਮ ਤਨਵੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ 19-4 ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਮਨ ਤੇ ਉਹ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਬੇਲੇਬਲ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਅਦਾਲਤ ਇਸ਼ੂ ਕਰੂਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੀਸਾਲਾ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰਤੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਆਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੋਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਧਰਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਸੀਅਤ ਹੋਈ, ਵਿਰੋਧ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਗਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਗਣਾ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਗਣਾ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਆਫਰ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ 600 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੋਣੀਆਂ ਨਰਮ ਚੁਗਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਤੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਆਂਟਲ ਨਰਮਾ ਚੁਗਦੇ ਹੁੰਦੇ 700 ਦੇਊਂਗੀ। ਗਲਤ ਬੋਲਦੀ ਕਮਲੀ ਆ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁੜਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੀਮ ਬਲੈਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਛਾਵਾਂ ਧੁੱਪਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਜੇ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਕੰਗਣਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਬ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕੰਗਣਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।